अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज हमारी जो गुफ्तगू होनी है उस पर हमने दो तीन चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। नंबर एक, ये जो यूएस सेनेट में जो बिल 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, और जिसमें उसमें पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की गई है, और पाकिस्तान के ऊपर सारा मलबा जो है वो सारे का सारा 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स का, बल्कि जो कॉस्ट ऑफ वॉर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो तकरीबन कोई 14 ट्रिलियन डॉलर्स ये इन्होंने अफगानिस्तान और इराक पर लगाए हैं। तो वो सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की जा रही है, और ये इनकी आदत है, ये पहले भी करते रहे हैं, और इस तरह अभी जाहिर है उनके पास जवाबात तो है नहीं। कल आपने देखा कि ब्रीफिंग में जिस तरीके से तीनों जनरल्स इंक्लूडिंग दी डिफेंस सेक्रेटरी किस तरीके से उनको ग्रिलिंग हुई, तो जाहिर है उनके पास जवाब तो नहीं है। अब उन्हें पाकिस्तान चाहिए है एज ए स्केप गोट। अब इसका क्या होगा, हम देखेंगे कि क्या मामला चलते हैं। पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने इसको कहा है कि अनकॉल्ड फॉर है, और ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये क्यों इस तरह की बात की गई है इसका ज़रा तजिया करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो किस नहज पे आगे बढ़ेंगे, और फिर अफगानिस्तान का मसला किस तरफ चल रहा है, उसकी रिकग्निशन के मसाइल चल रहे हैं, और फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि जिसमें अफगानिस्तान में जो किंग ज़ाहिर शाह का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट करने का ऐलान कर दिया गया है तालिबान की तरफ से, और ऑफिशियली जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये हमने आपको शो किया था, जब कल उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर के साथ बातचीत करते हुए कहा था। और फिर जाहिर है कि जो एक मोदी साहब का ट्रिप हुआ है इंडिया के हवाले से यूएस में, उसमें भी हमने ये आपको बताया कि वहाँ पे अब डैम्पन्ड एक माहौल है, वो एक्साइटमेंट, वो जोशो खरोश और वो जफियाँ और पपियाँ और ये सब कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई। इस तमाम सूरत हाल का तजिया करेंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी इशार सलाम वालेकुम। साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्केप गोटिंग शुरू हो गई है, जो कि आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा था, ये अब किस तरफ जा रही है सिचुएशन प्लीज गिव मी अ के? सेकंड, गिव मी अ सेकंड, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम विद द सिग्नल, लेट मी पुट इट राइट। अच्छा ठीक है, आप कर लें जरा, कर लें इसको, मैं कर लेता हूँ, और इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से मसाइल चल रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो भी सिचुएशन है ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है, जो कि पाकिस्तान यूएस टाइज के हवाले से मामलात को ख़राब कर सकती है, क्योंकि अगर ये मामला इस तरह चलता रहा तो फिर जाहिर है पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाके ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि वो डिसीजन ले और इसके जो तमाम प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको डिसीजन लेके उनके आगे बढ़ा जाए। जी ब्रिगेड साहब, आर यू बैक? जी जी आई एम बैक। अच्छा जी, गुड ब्रिगेड साहब। जी, ये जो मैंने आपको बताया कि जो सिचुएशन अभी बन रही है इसमें पाकिस्तान यूएस टाइज के हवाले से, और फिर ये जो 22 सेनेटर्स का लेटर आना और उसमें सारी चीज़ें आना, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? जी थैंक यू इसहार साहब, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ए बर्निंग इशू, पाकिस्तान में भी लोग इसको बहुत आज डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज कल की ये डेवलपमेंट है। 22 रिपब्लिकन लेड बाय सेनेटर जिम रशे, जो रैंकिंग मेंबर हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बिल पेश किया है। ऑल दो इट इज ऑल अबाउट तालिबान एंड अफगानिस्तान, लेकिन उसमें कुछ क्लॉजेज हैं। वन ऑफ द क्लॉजेज इज अबाउट पाकिस्तान, एंड दे वांट स्क्रूटनी ऑफ पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू कि तालिबान को किस तरह मदद की है लॉजिस्टिक में एंड डिफरेंट तरीकों से। तो पहली बात तो ये है कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं दे वर ऑन द कार्ड्स। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ व्हेन डज इट हैपन। तो द मोमेंट दे गॉट द पीपल क्लियर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो ये चीज़ें अब होना शुरू हो गई। अभी देखना इसमें यह इसमें है कि ब्रिगेडियर साहब, आपको अगर आप पता था। इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के बता देता हूँ। ये 57 पेज का ड्राफ्ट बिल है, जिसको कहते हैं अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2021। अब इसमें जो एक पैराग्राफ है वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि एन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाई स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द तालिबान बिटवीन 2001 एंड 2020, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सेंचुरी स्पेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड मेडिकल सपोर्ट। ये याद रखिएगा, मेडिकल सपोर्ट भी उन्होंने कहा है, ट्रेनिंग, इक्विपिंग एंड टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ये उन्होंने कहा है। ये इनके मुद्दों के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है। इसरार साहब, ये जो लैंग्वेज है ड्राफ्ट की, एक चीज है कि इट स्मैक्स ऑफ द ड्राफ्टर,
कि ये जो लैंग्वेज है ये ड्राफ्ट किसने की है, दिस इज नॉट द अमेरिकन इंग्लिश, दिस इज प्योरली 100% ड्राफ्टेड बाय द इंडियन स्टाफर्स हु वर्क फॉर द अमेरिकन सेनेटर्स एंड द कांग्रेसमैन। मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि जो अमेरिकन कांग्रेस में लोग हैं इनकी ज़्यादातर स्टाफर जो हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियंस, और ये लैंग्वेज और जो इसका लुब लबाब है, जो इल्जाम हैं, ये वही इल्जाम हैं जो इंडिया और तमाम हॉस्टाइल एजेंसीज मिलके पाकिस्तान के खिलाफ 20 साल में ये इल्जाम लगाती रही हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को बाई नेम मेंशन करना कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने किया, इट्स वेरी ऑफेंसिव डिप्लोमेटिकली, इट इज अनकॉल्ड फॉर, राइटली सेड बाय आर मोफा। श्री मदारी साहब ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड इसको रिबट किया है। लेकिन रिबट करना इज वन थिंग, लेकिन इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तो गलत प्रूव करना जो हम 20 साल से करते हैं वो हम कोशिश करेंगे। लेकिन वो बात है, मैं ना मानू वाली बात है, अगर उन्होंने बात आपकी नहीं मानी और सिर्फ आप पे फिंगर पॉइंटिंग करनी है तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर टैक्टिक्स व्हिच दे हैव ऑलरेडी डन फॉर 20 इयर्स। तो हमें इसमें ज्यादा परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ 20 साल से हो रहा है और इनको हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बिकॉज जितने इनके इल्जाम हैं उसका रीजन क्या है, वन के जो इंडिया है इट्स थॉरली एम्बेरस्ड बाय हरसेल्फ एज वेल एज इंडिया हैज थॉरली एम्बेरस्ड द अमेरिकन, बिकॉज उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि जब अमेरिकन यहाँ से निकलेंगे तो अफगानिस्तान में जो स्टे बिहाइंड पार्टी का काम इंडिया करेगा वो इंडिया नहीं कर सका। फिर पंजशीर वैली में जो नेक्सस थे हॉस्टाइल एजेंसीज के, जो फॉल बैक पोजिशन पंजशीर में बनाई थी, वो भी तालिबान ने चंद दिनों में उसको भी ख़त्म कर डाला। तो उस पर ये जितने ममालिक हैं जो यहाँ से जख्म खोरदा निकले हैं उनको अब समझ नहीं आ रही और वो इतने बुखलाए हुए हैं, इतने बुंतराए हुए हैं कि वो अजीबो गरीब हरकतें करें। और ये इसको गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का बिल पेश करना जिसने एक प्रोसेस में से गुजरना है, अभी बोथ हाउसेज ऑफ द कांग्रेस सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, वो ये प्रेसिडेंट तक पहुंचने से पहले ही मेरा ख्याल है कि ये इसको खत्म किया जाएगा। इसको वैसे जो आपने जिक्र किया पंजशीर वैली का, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का रोल जो है वो तालिबान ऑफेंसिव अगेंस्ट पंजशीर वैली में भी असेस करें और उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए। जी, आपकी तवज्जो आप ही के प्रोग्राम की तरफ दिलाता हूँ जिसमें हिंदुस्तान वाला मीडिया और गवर्नमेंट जो थी वो दिखा रही थी जी F-16 वापस इस्तेमाल हो रहा है, F-16 गिरा लिया गया, और वो पता है आपको वो UK की एक वीडियो चला के दिखा रहे थे। तो दिस काइंड ऑफ ब्लफ हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड। ये लोगों को सारी दुनिया को कहते हैं ना आप कुछ कुछ लोगों को कुछ वक्त तक बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन पूरी दुनिया को हर वक्त आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये अपनी बुद्धि किस्म की हरकतें करके अपने आप को बुद्धि रुसवा और दलील कर रहे हैं। पाकिस्तान पे और क्या प्रेशर डालेंगे जो इन्होंने 20 सालों में डाला है। FATF आपको पता है इंडिया ने खुद माना उनके वजीरों ने कि जी हम पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं इसके जरिए, अमेरिका ने भी इसको मान लिया हाँ हो रहा है। अब उस पर थोड़ा चुप इख्तियार किया तो अब ये नया काम है पाकिस्तान पे। ये सेंक्शन जो पहले से इन्होंने लगा रखी हैं पिछले 40 साल में वक्तन फवक्तन, वी ऑल नो द डिटेल्स, तो क्या बिगाड़ लिया था हमारा, हमने इससे ज्यादा सख्त वक्त देखे हुए हैं। अगर इस वक्त अमेरिका देखें आप ये जो कुछ हो रहा है, मैं इसकी तवज्जो आपको दिलाऊं कि ये एक तो इसका एक फैक्टर तो ये है कि ये डिफ्लेक्ट करें तवज्जो जो लान तान हो रही है अमेरिकन अफवाज की, इंटेलिजेंस की, पोलिटिकल, एक उससे तवज्जो हटाएं, इंडिया को जो एम्बेरसमेंट हो रही है उससे तवज्जो हटाएं, मोदी को जो शर्मिंदगी का सामना है मुल्क के अंदर और अमेरिका में आपने प्रोग्राम किया जो दिल्लत का सामना उसको करना पड़ा है, ये उससे तवज्जो हटाओ, तो सारी गंध का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ो ताकि हमसे लोग तवज्जो हटे और इधर इस तरफ देखना शुरू। एक हुई है, दूसरा इसका ताल्लुक इस तरह के बिलों का ये होता है कि रिपब्लिकन्स आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट बाइडन अगेंस्ट द डेमोक्रेट, कि आगे देखें नियर फ्यूचर में इनके मिड टर्म इलेक्शन आने हैं और उससे पहले ये अपने पोलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह के इश्यूज खड़ेंगे। आपको पता है बाइडन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द US एडमिनिस्ट्रेशन एट द मोमेंट। आप देख रहे हैं मार्क मिली ने, मैकेंजी ने, लॉयड ऑस्टन ने, वो किस तरह सारा मुर्दा भी बाइडेन पे डाल रहे हैं, विच इज अनकॉल्ड फॉर। अमेरिकन जनरल्स डिफरिंग विद द प्रेसिडेंट इन वन ब्रेथ एंड इन द सेम ब्रेथ दे आर सेइंग वेल हम इस पे रिजाइन इसलिए नहीं किया था बिकॉज वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स। ये इस तरह की बातें हैं जनरल मैकेंजी से कहना या मार्क मिली जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इस तरह की बात कहना एक फोर स्टार जनरल को जेब नहीं देता। इंटेलिजेंस वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफॉर्म वर्ल्ड।
उन्होंने अगर ये इस तरह के ट्रैप्स या इस तरह के गेम ट्रेल्स बनाए हैं तो ये उनका खफसा होता है और हमें भी इसका जवाब देना आता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारे मीडिया की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारे तमाम दानिश्वरों के, एनालिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका रिबटल दे अपने अपने लिंगों में, जिस तरह भी दे सकते अच्छा, हैं लेकिन अपने लेकिन अपने रिबटल के राय। साथ साथ, रिबटल के साथ साथ हमारी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, क्या अब ये फैसला करने का वक्त नहीं आ गया ब्रिगेडियर साहब के अमेरिका को ये बता दिया जाए कि नो मोर, कि ये जो आपने तमाशा लगाया हुआ है पिछले 50 साल से, 40 साल से, कि भाई आप फलानी अमेंडमेंट, कभी ब्राउन अमेंडमेंट, कभी स्मिंगटन अमेंडमेंट, कभी कुछ, तो जब जरूरत पड़ती है तब पाकिस्तान याद आ जाता है, जब जरूरत नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के ऊपर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो नाउ इज द टाइम टू डिसाइड कि जी हमने, वी हैव टू से गुड बाय टू द अमेरिकन्स और टू द अमेरिकन कैंप और व्हाटएवर। और ये जो सिलसिला है कि जी हम उसके बगैर मर जाएंगे, जिस आप कह रहे हैं कि हमने पहले भी वक्त देखा हुआ है, तो इसमें से कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालने की जरूरत नहीं फील करते आप? बात कि स्टेटहुड इज डिफरेंट देन द पर्सनल इमोशन, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। हमारा जिम्मेदाराना काम तो ये होता है कि किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को या किसी भी मैटर को इंतहाई एक्सट्रीम पे ना लेकर जाएं। हमेशा बात ये होती है कि रेजोल्यूशन की तरफ बात करनी चाहिए। हमें जब ये पता है कि ये बात क्यों कही जा रही है, क्यों की जा रही है, जब हमें ये पता है तो हमें उसके असबाब को वादे करना चाहिए, लॉजिक से जवाब देना चाहिए। एकदम नाराज हो के किसी कोने में जाकर बैठ नहीं जाना चाहिए। अमेरिका सो फार रिमेन्स नंबर वन पावर इन द वर्ल्ड, क्लोजली चैलेंज्ड बाय चाइना एंड रशिया टुगेदर। लेकिन हमने तो एक छोटे मुल्क की हैसियत से, लेकिन एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से एक इज्जतदार काम करना है। आपने सही कहा, हमारी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ये कह चुकी है, नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। वर्ल्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकला एंड सडनली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एट होम बिकॉज वो बेसिस मांग रहे थे। अभी की भी नाराजगी जो है डीप स्टेट की, वो यही है कि जो आपने जाते हुए हमें बेसिस नहीं दिए, आप हमें जो है लैंड रूट्स जो है वो भी हमारे जल्दी बंद कर देंगे, आपने कहा एग्जिट के बाद नहीं यूज होंगे, आप हमें ड्रोन उड़ाने की भी इजाजत नहीं देंगे, एयर स्पेस भी नहीं देंगे। नाराजगी का एक तो इमीडिएट मिलिट्री और इंटेलिजेंस रीजन, तो इस तरह क्यों हो सकती है? लेकिन मैं ये कहूंगा जो आपने कहा कि ये कह देना चाहिए, तो ये तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुका है, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुका है कि ये तो किसी सूरत नहीं होगा। एंड आई एम श्योर द मिलिट्री और दूसरी जो हमारी एजेंसीज के सरबराह है ना, अपने काउंटर पार्ट को ये इसी जुबान में जो आपने कहा कह चुके हैं, ये बात वो अच्छी तरह समझते हैं। और ये अब से नहीं सर साहब, हम कह रहे हैं ये, हम 20 साल से कह रहे हैं। हमारे से गलती ये हुई कि 20 साल जो इनका साथ दिया, पहले भी दिया था, आपको याद है जब सोवियत इधर आए थे तो बाद में हमें पछताना पड़ा, जैसे वो गए ये हमने जीत का ऐलान किया, ये जनाब अपने घरों में जाकर खुशियां मना रहे थे कि अब हम सोलो सुपर पावर हो गए और हमें इन्होंने हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, जिसका अभी तक खमियाजा भुगत रहे। यहाँ पे जो इल्जामात हैं इस बिल में जो आपने कहा, अब देखिए एक तरफ हमें कहते हैं रिफ्यूजीज को वापस ना भेजे, 20 साल तो ये हमारी मिन्नतें करते रहे उनको वापस ना भेजे। रिफ्यूजीज को हम क्या दे रहे थे? हम लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, मेडिकल सपोर्ट दे रहे थे। आपने मेडिकल की बात की, क्या ये मुला उमर की मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? जो 50 लाख महाजरीन को मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? अगर हम उनको खाना दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान ने वो काम किया है जो यूएनओ का काम था या बड़ी ताकतों का काम। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क होते हुए इन सारे 50 लाख लोगों को पाला हुआ 40 साल से, कोई और दुनिया में मिसाल है ऐसी? कोई मिसाल नहीं। तो इनके पास लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफियां मार रहे हैं और अपनी बेवकूफ नहीं, लेकिन ब्रिगेड साहब वो लॉजिक तो वो चाहते ही नहीं है। वो तो देखिए उनकी ये पॉलिसी है नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, दैट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, ठीक है ना जी। वो आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं कि मायोपिक इंटरेस्ट है या उनके सेल्फिश इंटरेस्ट है, व्हाटएवर, लेकिन अब हमारे पास चॉइस क्या है कि अगर हमारे पास ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, जैसे फैटफ का आपने बताया कि फैटफ का भी मामला है, दूसरे मामला थे, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनके पास आर्म ट्विस्टिंग के टूल्स तो मौजूद हैं, तो फिर हमारे पास क्या चॉइसेस रह जाएंगी? सरासर मैंने कोई बेखा 4-5 हफ्ते पहले पेपर में लिखा था, आपने पढ़ा होगा मेरा पीस, मैंने लिखा था कि फुलिश फ्रेंड्स ऑफ पेंटागन, जिसमें मैंने एनालिसिस किया था कि जो डिबैकल हुआ है इनका तमाम जगहों में, चाहे वो वियतनाम था, चाहे कोरिया था, या मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक थे, और मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान था, ये अपने ही बनाए हुए वो जिन और भूत, जिनको ये थिंक टैंक्स कहते हैं, जिनको ये दानश्वर मानते हैं, जिनको एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये उन्हीं की बनाई हुई पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, हर दफा मुंह के बल गिरते हैं।
और इसको मैंने कहा कि ये फुलिश फ्रेंड है, इनसे बेहतर तो पाकिस्तान है जिसको आप फ्रेंड भी कहते हैं कि हम आपको 20 साल से वो कह रहे थे जो आपने 20 साल बाद किया। 20 साल पहले करते तो आपके ट्रिलियन ऑफ डॉलर भी बच जाते और आपकी हजारों जाने भी बचती, और जिन्होंने हजारों में जाकर खुदकुशियां की और जहनी मरीज बन गया वो भी बचते, तो अमेरिकन इकोनॉमी पर भी बचती और सोशल प्रॉब्लम से भी आप बचते। तो हमें आप फ्रेंडमी कहते हैं, बट आप वी आर सिंसियर एंड वाइस फ्रेंडमी, आप अगर हमें फ्रेंडमी कहते हैं। हमने आपको स्ट्रेटेजिक अलाई बन के साथ दिया, आपने हमें दुश्मन बना लिया। तो ये मैं हैविंग सेड दैट मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका में जो समझदार तबका है, उसके बाद मैंने कोई एनालिसिस 3 हफ्ते पहले लिखे थे कि जो अमेरिका में समझदार लोग हैं, चाहे वो वर्दी में हैं चाहे वो सिविल्स में हैं, वो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल रिजेक्ट ना किया जाए, पाकिस्तान को एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पे ही लिया जाए और जो हमारे डिफरेंसेस हैं इनको बातचीत के जरिए हल किया जाए। तो इस पर भी एक पीस लिखा था जिसमें जनरल बुटेल का, जनरल नगाता का मैसर कैमरॉन मंटर का मैंने जिक्र किया था कि हमें मिडिल ग्राउंड को एक्सप्लोर करना है, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट है वो कॉमन इंटरेस्ट खत्म नहीं हुए। अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ से निकल के क्या रीजन में वो यूरेशिया को रशिया को भूल जाएगा? नेवर, दे कांट अफोर्ड टू डू दैट। वो इंटरेस्ट उनके यहाँ है और हमारा काम ये है कि उनके उन इंटरेस्ट को जो है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बना के बात करें, और जो उनके डाइवर्जेंस है वो जो लोग भी कह रहे हैं उनको एक्सपोज करें कि ये जो कह रहे हैं ये आपके वो फुलिश फ्रेंड है जिन्होंने ऑलरेडी आपका 40 साल में आपका धड़न तख्ता कराया। ठीक है, अच्छा बगीर साहब, अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। जो हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की स्टेटमेंट लगी हुई है कि उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हम किंग जाहिर शाह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, करेंगे नहीं कर दिया, इम्प्लीमेंट हम करेंगे। तो अब ये जो सूरत हाल है इससे क्या हम ये समझें कि अफगानिस्तान में बादशाहत का दौर दौरा शुरू हो जाएगा, नया को बादशाह बनेगा या अमीरुल मोमिनीन जो है वो बादशाह का रोल अदा करेंगे? तो क्या मोनार्की इज बैक इन अफगानिस्तान? मैंने आपका प्रोग्राम सुना है, आपने इस पर लगा प्रोग्राम किया, बड़े आपने अच्छा उसको रिसर्च किया है, बट अलाउ मी टू डिफर स्लाइटली। मैं इसको इस तरह नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है वो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, वो लोग डिमांड कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रहे हैं, रीजनल एक्टर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करें, अनाउंस करें और एक आप अपना कोई इलेक्शन करें या जो भी प्रोसेस करना है, एक पक्की हुकूमत बनाए और वो जो तमाम वादे इंटरनेशनल और रीजनल कंट्रीज के साथ इन्होंने किए हैं उसको पूरा करें। तो वो जब इन पर प्रेशर आया तो मेरा ख्याल है उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सो फार जिसका आपने जिक्र किया, तजिया किया, उसमें जो मेरा ख्याल बेहतर पीरियड था जिस कॉन्स्टिट्यूशन में गुजरा वो जाहिर शाह साहब का 40 साल का जमाना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम जनरली उसको फॉलो करेंगे, लेकिन साथ ये भी कहा कि जहाँ जहाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉजेज इस्लामी शरिया और जो प्रिंसिपल हैं जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के उनसे क्लैश करेंगे तो दे विल फॉलो देयर ओन प्रिंसिपल एंड द इस्लामिक शरिया नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जेनेरिक या जनरल किस्म की बात की गई है। अभी उसको किस शेप में ये बात लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, दैट हैज टू बी सीन, कौन से क्लॉजेज रहेंगे, कौन से मॉडिफाई होंगे, कौन से रिजेक्ट करके डिलीट कर दिए जाएंगे, दैट इज वन। नंबर टू, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है आपने भी अपने प्रोग्राम में बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जो मोनार्की है, किंगशिप है, उसका तो इस्लाम में कोई वो मुकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो शुरा की बात होती है, खलीफा या अमीरुल मोमिनीन की बात होती है। तो मे बी इट इज़ अ काइंड ऑफ हाइब्रिड थिंग दैट दे हैव इन देयर माइंड कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो तमाम प्रिंसिपल जिसमें लोग खुश थे अफगानिस्तान में, रिलेटिव पीस था अफगानिस्तान में जाहिर शाह के दौर में, तो शायद वो उनके जहनों में ये बात है कि जो इसके प्रिंसिपल से जो जनरली सारे अफगानिस्तान को एक्सेप्टेड थे उसको वो अडॉप्ट कर लेंगे, और उसके अलावा इस्लामिक शरिया और अपने जो उनके प्रिंसिपल हैं उन्होंने 20-30 सालों में इवॉल्व किए हैं उसको वो उसमें डॉपटेल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऐलान करें। एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मेरा अपना गैस है कि वो मोनार्की नहीं हो सकती, अमीरुल मोमिनीन या खलीफा का इंतखाब होगा, विच कुड बी समथिंग क्लोजर टू व्हाट वी आर सीइंग इन द नेबरिंग कंट्री ईरान, शुरू का ऐलान। लेकिन फिर वो भी 100% वो नहीं, वो उससे भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, ईरान हैज एब्सोल्युटली डिफरेंट सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अफगान वाले जो है, मेरा ख्याल है कि कोई हाइब्रिड सिस्टम इवॉल्व करने की एफर्ट कर रहे हैं, जैसे पहले प्रोग्रामों में कहा, ना तो ये पॉलिटिशियन है, ना ये डिप्लोमैट्स हैं, ना ये कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, दे आर इवॉल्विंग फ्रॉम फाइटर्स टू स्टेट्समैन। तो ये फाइटर्स से स्टेट्समैन बनने का जो प्रोसेस है
वो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा अब जरा थोड़ा सा आ जाएंगे वो जो चाइनीज इन्वेस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी हमारी इतलात के मुताबिक. उसमें उन्होंने उनको गारंटी दे दी है पहले की तरह कि जनाब हम किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्बेंस कॉज नहीं होने देंगे. तो अब इस तरह की जो चीज़ें हम भी जाहिर है चाहते हैं उनकी उनसे गारंटीज हों और वो हमें बताएं कि इस तरह के मामलात नहीं होंगे. तो क्या तालिबान से तवक्को रखी जा सकती है कि कोई रिटन गारंटीज हमें और चाइना को या दीगर ममालिक को वो देंगे कि जी हमारी सॉइल जो है वो यूज़ नहीं होगी आपके खिलाफ? देखिए जो इनके स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है ये उन्होंने ये बात अखल दर्जनों दफ़ा मुख्तलिफ फोरम से कही है कि जो हमने कमिटमेंट अपने नेबरिंग कंट्री से या इंटरनेशनल कम्युनिटी से की है हम सारी फुलफिल करेंगे. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात है जो आपने कही कि अपने मुल्क को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे. दैट मीन्स कि इसको सेंचुरी नहीं बनने देंगे प्रॉक्सीज के लिए या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिससे चाइना को पाकिस्तान को या बाकी ममालिक को खतरा है. तो ये तो उन्होंने बार बार कहा. अब ये इन राइटिंग दें या जुबानी कहें मेरे लिए तो उनकी जुबान जो है राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइटिंग में तो क्या देना एक स्टेटमेंट का इतना मुँह से बोला हुआ लफ्ज़ जो होता है वो राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब वो ये बात दर्जनों दफ़ा कह चुके हैं तो इसको ओवर एम्फसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये भी देखना है कि इसके जवाब में जो रीजनल कंट्रीज ने वादे किए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो वादे किए हैं वो कैसे पूरे करते हैं. फॉर एग्जांपल अमेरिका जब अपना यहाँ से सेफ्टी के साथ एग्जिट कर रहा था तो उन्होंने भी तो वादा किया था कि आपके जो भी प्रिजनर रह गए हैं हम उनको भी रहा करेंगे. आपके जो एसेट फ्रीज किए हुए हैं वो भी हम आपको दे देंगे. 9.5 बिलियन वो भी नहीं दिए. उनका टर्न ओवर सुना वहाँ पर दबाया वो भी नहीं दिया. यूरोप वालों ने भी बिलियन ऑफ डॉलर बैंक में फ्रीज किए हुए हैं. तो उनको तो इस वक्त अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से या स्टेट कोलैप्स से बचना है तो दे नीड दो एसेट्स. जहाँ तक खाने पीने का फूड का सप्लाईज का मेडिकल का ताल्लुक है तो पाकिस्तान तो पिछले 40 साल से दे ही रहा है और देते रहेंगे अभी दे रहे हैं. भूखे नहीं मरने देंगे. सो इज द केस विद चाइना. सो इज द केस विद अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कि वो उनको जो ह्यूमन क्लैमिटी है उससे तो बचा सकेंगे मदद करेंगे. लेकिन एक स्टेट को रन करने के लिए जो उनको अपनी इकोनॉमी चाहिए उसके लिए उनको वो पैसा चाहिए. तो उस सूरत में अमेरिका अगर चाह रहा है तो उसके वादे पूरे किए जाए तो फिर भाई अपना वादा भी तो पूरा करे ना. वो पूरा करना बहुत जरूरी है. ठीक. अच्छा अब आखिर में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये जो इंडिया का एक सिलसिला चल रहा है जो हमने पहले बात की पाकिस्तान को ये सेंक्शन करने का जो कह रहे हैं और बिल ला रहे हैं. असल में तो जो परफेक्ट केस सेंक्शन का बन रहा है वो तो इंडिया के खिलाफ बन रहा है और वो ये है कि जो S-400 के इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है वो उसकी डिलीवरी इस नवंबर में होने जा रही है. अब वो जब डिलीवरी होगी तो जो काटसा का जो इनका लॉ है उसके मुताबिक इनके इनको बाउंड है वो कि वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं. अब वो सैंक्शंस अगर लगाते हैं तो ब्रिगेड साहब तो केस तो वो बन रहा है सैंक्शन तो हमारे ऊपर तो पता नहीं लगेंगी कि नहीं लगेंगी. इंडिया के ऊपर तो एक परफेक्ट केस बन रहा है सैंक्शंस का. डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? थ्योरेटिकली यस. Practically, in real politics, not. Okay. I don't think that would happen. यही तड़ी यही गुस्सा तुर्की पे भी कई सालों से निकाला जा रहा है वो भी S-400 की वजह से. सेम इज द केस विद इंडिया नाउ. लेकिन देखा जाए तो ये बेसिकली गुस्सा इस तरह में होता है कि ये कैपेबिलिटी वो एक्वायर कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क से जिनके खिलाफ उनका स्ट्रेटेजिक ग्लोबल कॉम्पिटिशन है. डिफेंस इंडस्ट्री का मुकाबला है. आपको पता है इंडिया नंबर वन क्लाइंट था डिफेंस बाइंग के लिए रशिया का. अब शायद लीडिंग नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरा ख्याल सेकंड थर्ड टीयर पे तो ये चल रहा है. तो रशिया भी कभी नहीं चाहता कि इंडिया जैसा क्लाइंट वो खो दे और इंडिया भी नहीं चाहता कि वो किसी एक ही बास्केट राफेल तैयार उन्होंने लिए तो आपको पता कितना यूरोप के अंदर कितना कॉम्पिटिशन चल रहा था. हर यूरोपियन मुल्क चाह रहा था कि मेरे से जहाज ने अमेरिका नहीं किए. अभी ये जो ऑकस हुआ है आपने देखा है कि न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी है तो अभी उसके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो रहा है बिकॉज अभी साउथ कोरिया जापान फिलिपीन इंडिया हर बंदा जो क्वाड में या ऑकस में आएगा या है वो कहेगा जी हमें भी न्यूक्लियर सबमरीन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें. तो ये जितने मुल्क होते हैं इतनी जल्दी ये वेपन इक्विपमेंट तो बेचते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते. तो हिंदुस्तान जो है वो उस पर ये प्रेशर तो डालेंगे
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो देखें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एग्जम्पशन देने की, वो अल्टीमेटली जब उनको इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मुझे लगता है वो इनको एग्जम्पशन दे देंगे। तो क्या, फिर ये जो टूल होगा ये उनका इंडिया को की आन ट्विस्टिंग के लिए होगा कि भाई आप हमें, जिस तरह अभी तक हम देख रहे हैं कि उनकी एक एम्बिवेलेंट पॉलिसी नजर आ रही है, इधर भी हैं उधर भी हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अमेरिकन जो हैं वो इस टूल को आर्म ट्विस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इंडिया की, ताकि वो पूरे के पूरे अमेरिकन कैप में आ जाएं और चाइना को और उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर सामने आए? जी आप ठीक कह रहे हैं, अमेरिकन कोशिश तो यही है, लेकिन आप देखेंगे इंडिया ने पिछले 74 साल में एम्बिवेलेंस की जो पॉलिसी है उसको बड़ा तरीके से इस्तेमाल किया है, और वो कोशिश यही करते रहे हैं कि नॉन सेकुलर का नारा लगा के एट होम दे आर क्रूसीफाइंग ऑल दी मिनोरिटीज, लेकिन दुनिया को उन्होंने शायबा ये दिया हुआ है, इम्प्रेशन ये दिया हुआ कि ये सेकुलर हुकूमत है, हालांकि इससे ज़्यादा एक्सट्रीमस गवर्नमेंट शायद ही रुए ज़मीन पर कहीं और हो। आप कश्मीर में देख लें, पंजाब में देख लें, तमाम मुस्लिम रियासतों में देख लें, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट्स में देख लें, हर जगह डेली एवरेज 300-350 बंदा ये मारते हैं। जेनोसाइड तो मिनोरिटीज का हिंदुस्तान में दहाइयों से हो रहा है, लेकिन आज तक दुनिया को उन्होंने ब्लफ किया हुआ है, वी आर सेकुलर स्टेट। लाइक वाइज ये जो कहते हैं कि जी हम जो है वी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो उसको एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर एक खास हद तक तो सही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी S-400 आ जाए तो इसका कोई उनके पास कंपेटेबल चीज होती है अमेरिका के पास तो वो ऑफर कर देते और वो ये सौदा जीत लेते। लेकिन आपने जो कंपैरिजन किया था पैट्रियट वर्सेस द S-400, कंपैरिजन ना प्राइस में है ना कैपेबिलिटी में है, देयरफॉर इंडिया एज अ मिलिट्री वुड ऑलवेज लव टू बाय दैट, टर्की वुड गो फॉर इट, और ये आर्म ट्विस्टिंग जो है ये आप देखेंगे रियल पॉलिटिक्स के ऑल्टर पे ये सैक्रिफाइस। लेकिन लेकिन ब्रिगेड सर जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए जब ये गए हैं वहाँ पे और जिस तरीके से इनका वहाँ पे इस्तकबाल हुआ बड़ा ही डैम्पेंड किस्म का, और जिस मीटिंग के दौरान हमारी इतरात के मुताबिक जब उन्होंने ये उनको बताया पूरे जो चाइना के मसला है कि आप क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब इतना कोल्ड शोल्डर मिला तो वो उन्होंने अपनी तकरीर में चाइना का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा कितनी बड़ी एक प्लेटफॉर्म थी जो कि ना उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया ना चाइना का जिक्र किया, तो वो बेसिकली अमेरिकन को ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे कुछ हजारों किलोमीटर्स की टेरिटरी वो चाइना लेके बैठ गया है, आप हमें कुछ किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ भी तो करें ना, आप हमारे अगर पार्टनर हैं आप हमारे साथ अलायंस में आना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, आप चाइना से तो हमारी जान छुड़ाएं, वो उनकी जान नहीं छुड़ाते, वो उनके लिए कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, तो मामला हल कहाँ पे होगा? इस हाथ से मेरी ओपिनियन में जो मोदी साहब को इस बार रिसेप्शन मिली है दिस इज द रियल अमेरिकन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल लाइक है। पहले जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जब ट्रंप के जमाने में इनको बेर हाग रॉडी मोदी और इस तरह के वो जेमेक्स जो किए गए अमेरिका में, दैट वाज इंडियन वे ऑफ डूइंग इट। इन्होंने इंडियन डायस्पोरा को आरएसएस वालों ने गैल्वनाइज किया और वहां पे बॉलीवुड शोज किए और उसको एक मूवी शो बना दिया उसके विजिट को, वो एक आर्टिफिशियल डिस्प्ले था जो ट्रंप और इसकी पर्सनैलिटी को सूट करता था। आपको पता है ट्रंप भी जो है वो इसी किस्म का करेक्टर था, दोनों में खसूसियात थी कि वो वाइट सुपरमैसिस्ट था और ये आरएसएस नाजी हिंदुत्व का फॉलोअर लीडर था, तो दोनों में पहले तो ये नजरियाती जो हमांगी थी उसमें ये बार बार एक दूसरे को गले मिलना और पपियां जपियां करना, तो ये वाले जो चीप किस्म की हरकतें थी वो दोनों देवर इक्वली चीप आई वुड से। अब जब गए हैं तो बाइडेन जैसा वो सीनियर पॉलिटिशियन उसको मिला है तो उसने उसको वही उसी तरीके से रिसीव किया जिस तरह उसको इन द फर्स्ट प्लेस करना चाहिए था। बाकी जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं कि ये कोल्ड शोल्डर है तो दिस इज देयर वे ऑफ अमेरिकन वे ऑफ मैसेजिंग, एंड व्हाट मोदी डिड वाज इंडियन ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ मैसेजिंग कि लास्ट मिनट पे वो लाइनें जो पाकिस्तान के बारे में लिखी गई होंगी कि आपने पाकिस्तान बैशिंग करनी है और चाइना बैशिंग करनी है वो ड्राफ्ट में से उन्होंने म्यूट कर दी कि बस ये ना बोले एंड वी वुड हैव डन द मैसेजिंग कि तुसी नहीं कर देते असी नाराज। तो दिस काइंड ऑफ यू नो जिमिक्स ये इंडियन कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान में ये बहुत कॉमन है। अगर सोबराइटी प्रिवेल करेगी सोबर एलिमेंट्स इन अमेरिकन कांग्रेस ऑन बोथ साइड ऑफ द आइल द रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स और उनमें मेजॉरिटी जो है दे आर सोबर पीपल, ये 22 जो रिपब्लिकन हैं ये हुकूमत में नहीं अपोजिशन में है,
तो पहली बात है कि ये हुकूमत ने फैसला करना है, मार्जिनल मेजोरिटी पर देयर ठीक। तो फिर साइड साथ ये है कि रिपब्लिक में बहुत सारे पाकिस्तान के फ्रेंड हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल जो है पास नहीं होगा, ये सेनेट में ही किल हो जाएगा, प्रेसिडेंट तक ये जाएगा नहीं। अगर सारे ही पागल हो जाए, सारे ही जो है मैवरिक हो जाए, ट्रंप बन जाए सारे एकदम, तो उस सूरत में अगर ये करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएंगे तो पाकिस्तान तो अब अकेला नहीं है, पहले पाकिस्तान अकेला था तो हमने मुकाबला किया, बर्दाश्त किया, अब हम ना अकेले हैं और हमारी बर्दाश्त हुआ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो जितना आप हमें तंग करेंगे आप फर्दर अपना नुकसान करेंगे, यही मैसेज है जो मैं अपनी राइटिंग में अमरीका को देता हूँ और दोबारा नहीं भेजता। अल्लाह ताला खैर करे। और जाहिर है कि एक बड़ी क्लियर सिचुएशन है कि पहले यूनिपोलैरिटी थी और अब मल्टीपोलैरिटी में हम आ चुके हैं, तो इसलिए अब वो वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बगैर साहब, इंशाल्लाह फिर आपका रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बनता हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है तो ही मेरा परवरदिगार है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेच रहा तू दानी हिसाब है कम व बेश रहा मुझे सराकसान को ब्रिगेड सलीम कमर बट साहब के साथ इजाज़ दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।